तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज हम 11वां चैप्टर, और 11वां चैप्टर हमारा होगा इस पे रेशियो डालना। काफ़ी ज़्यादा हमारे जो पेंटर भाई हैं उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि एनेमल पेंट में रेशे कैसे डालते हैं, तो आज गाइस वही मैं आपको सिखाऊंगा कि उसका रेशा कैसे डालते हैं। तो सबसे पहले ये दरवाज़ा आपने देखी है कि इसके भी 3-4 पार्ट हमारे पड़ चुके हैं, तो ये अच्छी तरह से हमारा पेंट हो गया, जाली पेंट भी हमने कर दिया है। अब इसकी बारी है कि इसके ऊपर हम रेशा कौन से कलर का डालें। तो कलर आपने जो लिया है वो हमारा कलर है गोल्डन ब्राउन, ये वाला जो पहले का कलर जो गोल्डन ब्राउन है। अभी जो उसके फाइनली जो रेशे वाला कलर है हमारा वो है ब्राउन, जिसको हम बोलते हैं लिप ब्राउन बोलते हैं, डार्क ब्राउन बोलते हैं, वो कलर सिर्फ ओनली ब्राउन है। तो मेरे पास ये है ब्राउन और कलर भी इसके अंदर है और ये ब्राउन है। दूसरी बात, अब इस पर रेशे खींचते हैं कि रेशे कैसे खींचे जाते हैं, सिंपल सा तरीका बताऊंगा बिल्कुल, नॉर्मल तरीका कि रेशे किस तरह से बनते हैं, बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा आपको। तो स्टार्ट करता हूं मैं आपको, इसको पेंट को बनाने का तरीका बताता हूं आपको। तो गाइस ये हमारे पास कलर है, तो ऑलरेडी इसमें हमने पहले तेल डाल रखा है, पुराना डब्बा था हमारे पास ये, तो इसमें थोड़ा सा और हमें तारपीन डालना पड़ेगा। आप देख सकते हो इतना पतला चलाना है आपने, ये देखिए, क्योंकि जो आपने जो कलर रखना है वो पतला ही रखना है। थोड़ा और इसमें हम तारपीन डाल देते हैं, यानी अगर 1 लीटर अगर आपका कलर है, ये अपना ब्राउन पेंट है, तो इसमें कम से कम 600 ग्राम या 700 ग्राम आपने तारपीन डालनी है। तो ऑलरेडी पहले भी इसमें कुछ पड़ा था और थोड़ा और डाल देता हूँ उसमें तारपीन, यानी पतला रखना है। तो पतला जब होता है तो उससे क्या होता है, रेशे अच्छे आते हैं और सूखता नहीं जल्दी, और नहीं तो फिर अगर गाढ़ा होता है तो सूखता बहुत जल्दी है और उसके रेशे भी अच्छे नहीं आते हैं। क्योंकि रेशे इसलिए अच्छे नहीं आते क्योंकि उसमें जोड़ पड़ जाते हैं, वो सूख जाता है जल्दी। तो एक नॉर्मल सी आपने धोती लेनी है इस तरह से, इतना बड़ा पीस लेना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना, 1x1 का पीस है, 1 फुट बाई 1 फुट का। अब इसको आपने अच्छी तरह से इसको गीला करना है इस पैंट के अंदर इस तरह से, ये देखो अभी क्या है कि ये अच्छी तरह से घुल चुका है, पूरा पतला पैंट हो गया है, ये देखिए पूरा पतला पैंट है ये। अब स्टार्ट करते हैं इस पर लगाना। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये लरे मारनी है आपने, और इसके साथ साथ ये भी मारना है आपने, मतलब ये जो ऐसे ऐसी लरे है ना वही मारनी है आपने, कभी ये नहीं मारना, ये बाद में मारना होता है। तो दिखाता हूँ, स्टार्ट करता हूँ इस पर, पहले रेशे निकालना, और नॉर्मल से रेशे निकालूंगा, ये भी नहीं कि ज़्यादा हार्ड रेशे निकालूँ और आपको दिक्कत पड़े, क्योंकि रेशे कई तरह के निकाले जाते हैं, वो हर किसी पर नहीं आते, तो मैं आपको नॉर्मल सिखाऊंगा इसमें। तो ये आप देख सकते हो कितना पतला पेंट है ये, इससे क्या करना है हमें, इस तरह से आप लगाना है इस तरह से, ये देखिए ये लग गया ना, पूरा अच्छी तरह से लग चुका है, ये देखिए। अब क्या करना है हमने कि यही कपड़ा हमने यूज करना है, लेकिन यहाँ पे जो इस्तेमाल करना है वो हमने उंगलियों को इस्तेमाल करना है, एक उंगली दो तीन उंगलियों को इस्तेमाल करना है, उससे क्या है कि यहाँ पे निशान से बन जाएंगे और यहाँ पे जो डिजाइन है जो रेसो वाला है वो खुद से खुद निकल जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं हम इसको, सीधे रेसे बताऊंगा इसमें, अगर एक बार में आपको नहीं निकालने आ रहे हैं तो दो बार हमें आप इसको निकाल सकते हो। गाइस अभी देख सकते हो ना, बिटिंग मैंने अच्छी तरह से कर दी है, ये वाली बिटिंग जो है, और इसको दो दो चार चार बार आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके जब तक आपका ध्यान नहीं निकलता तब तक आप इसको कर सकते हो, मार सकते हो इस तरह से। तो इस तरह से आपका रेसे निकल जाएंगे, जैसे ये निकाले मैंने ऊपर, वैसे सिंपल सा तरीका निकल जाएगा। अभी क्या है कि इस जैसे जो लर है ये वाली, वैसे हमें नीचे निकालना है, नीचे वाली लर निकालनी है, तीनों एक साथ निकालनी है, उसके बाद सीधा निकालेंगे। तो गाइस अभी ये रेसे देख सकते हो, अगर रेसे मैंने सिंपल बनाए, और अगर मुझे लगता है कि यार इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है रेसों में, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको दोबारा भी खींच सकते हैं, दोबारा भी बना सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बिगाड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ मुझे दिखानी बहुत ज़रूरी होती है। ये देखिए बिगाड़ दिया मैंने सारा, ये देखो, क्योंकि अभी गीला था इसलिए ये बिगड़ चुका है, और दोबारा से मैं फिर से खींच देता हूँ उसमें, मतलब ये ना सोचें कि एक बार खींचने के बाद में अगर वो खींच गए और दोबारा ख़राब दिख रहा है हमें, दोबारा नहीं खींचेंगे, तो गीले गीले पे आप दोबारा खींच सकते हैं। देखिए ये देखिए रेसे, देखिए एकदम क्लियर रेसा आ रहा है, पॉलिश की तरह आ रहा है और बढ़िया आ रहा है एकदम से। अभी क्या है कि हम सीधा लर मारेंगे,
ये वाली, अभी क्या हो गया इससे और इसका गैप खत्म हो गया, क्योंकि बीच में जोड़ आ रहा था तो ये खत्म हो गया। इसकी वजह से जो पूरी लर है उस पर लगा लेंगे पेंट अच्छी तरह से, इस तरह से उल्टा सीधा लगा लो एक बार बस। तो अभी इस पर मैंने पेंट लगा दिया अच्छी तरह से, अब क्या करेंगे हम इस पर, अब रेसे बनानी है हमने, सीधे सीधे लाने हैं, ये देखिए पूरा सीधा बनाना है इस तरह से, और नीचे जाके छोड़ना है, पूरा नीचे छोड़ना है, हाथ भर में नहीं छोड़ना है, आपने नीचे ही छोड़ना होता है ये। अगर रास्ते में अगर आपने गद्दी, ये आपके पास जो पेंट वाली गद्दी है, ये अगर रास्ते में आप छोड़ देते हो तो उससे क्या होगा कि ये चीज़ है आपकी जोड़ आ जाएंगे और जो रेसा आप निकालना चाहोगे वैसा आपका निकलेगा नहीं। और तो दोबारा से फिर से खींच लेता हूँ, देखो ये देखिए गहरी आपको उंगली गाड़नी होगी, जैसे ये देखो, ये देखिए ज़्यादा मोटा करना है मुझे तो उंगलियाँ जो ज़्यादा टच करनी पड़ेंगी इस तरह से, ये देखिए तो ज़्यादा मोटा रेसा हो गया ये। अगर इसको हल्का करना है और जैसे हमने थोड़ा और हल्का करना है और ये जो और वो रखा है इसकी मैचिंग में करना है, तो इसको हमने क्या करना है कि दोबारा से खींचेंगे और हल्के हाथ से खींचेंगे तो ये उसकी मैचिंग में आ जाएगा। ये देखिए ये पूरा अच्छी तरह से बन चुका है और साथ में इसकी ये चौकाट है इसको भी मैं ले लेता हूँ। ये देखिए ये पूरा हमारा फाइनल हो चुका है, इधर का ये फाइनल हो चुका है, ये भी फाइनल हो चुका है। तो अभी क्या करेंगे हम कि ये वाला जो लर बचा है हमने ये वाला कवर करना है, तो इसको भी इसी तरह से रेसे डालने हमने। ये देखिए इस तरह से आपने लगाना है, जगह नहीं छूटनी चाहिए बिल्कुल भी, ये देखो, और इस तरह से घूट घूट के लगा दो अच्छी तरह से। मुझे आपका ये है तो इस पर भी आप लगा काम करना चाहते हो, जैसे मैंने ये पूरा कवर कर दिया इसका हैंडल, तो आप कवर कर सकते हो, नहीं तो नहीं भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कवर करोगे आप। और ये चीज़ जो है जो बहुत ज़रूरी होती है कि जोड़ आते हैं तो यहाँ पे इधर का पेंट इधर चढ़ जाता है, इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है। आप शुरू शुरू में तो ऐसा समझ लो जैसे कि आप काम ही नहीं कर रहे, उल्टा सीधा मार रहे इसको। ये देखिए फिर से मैं मोटा रेसा निकालूंगा इसमें, जो और है वैसे ही निकालूंगा सेम टू सेम। तो यहाँ पे तो मुझे जोड़ देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हैंडल है, पर हैंडल की वजह से मुझे जोड़ देना पड़ेगा, और ये क्योंकि यहाँ पे जोड़ 100% देना ही देना है, और उस जोड़ को आपने ख़त्म करना है कि आपका जोड़ दिखाई ना पड़े, इस हिसाब से अपने काम करना है। अभी ये ज़्यादा लाइट हो गया, ये ऊपर डार्क हो गया, तो इसको हमें लाइट डार्क करना है फिर से। जो बात है वो भी मैं बता देता हूँ, अगर आपका लगता है कि पहली बार में हमारे रेसे सही नहीं निकले हैं, शाम में आप रेसे खींच के गए और सुबह में पसंद नहीं आ रहे हैं, तो आपने क्या करना है, अगर लगता है कि थोड़ा और डार्क करना है तो पतला करके एक कोट और मार देना इसके ऊपर, तो डबल रेसे हो जाएंगे और डिजाइन भी आपका अच्छा बन जाएगा, रेसे भी बढ़िया निकल जाएंगे। और गीले गीले में आपको लगता है ख़राब रेसे बने हैं और मेरे को और अच्छी तरह से इसको रेसे अच्छी तरह से निकालने हैं और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि यह देखो काफ़ी देर हो चुकी है और ये हल्का हल्का सूख चुका है, तो इसको मैं चाहूँ तो अभी दोबारा से कर सकता हूँ। ये देखिए थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं जम्बिल के तरह, ये देखिए जब मैं इसको घुमाऊँगा इस तरह से तो रेसे अपना आप ही निकल जाएंगे। अभी क्योंकि जो पुराना पेंट है वो निकल चुका है इसका इस तरह से, ये देखिए इसको मैंने लाइट भी कर दिया है और हल्का हल्का सेटों में ये जोड़ आया है, तो इसको भी हमने ख़त्म करना है। तो वो कैसे करना है, इस तरह से, और ये इधर अगर आ गया थोड़ा सा आपने तो उसको इस तरह से आपने ख़त्म कर देना, ये पूरा ख़त्म हो चुका है और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये देखिए वैसे ही इधर थोड़ा सा आ गया है, तो इसको भी हमने ख़त्म करना है। ये देखिए और जैसा आप अपनी मनपसंद का निकाल सकते हो उसके अंदर, जैसा आप चाहोगे वैसा आप जैसा निकाल सकते हो। ये देखिए अभी लकड़ी में पूरा रेसा अच्छी तरह से निकल चुका है, कहीं डार्क कहीं लाइट नहीं है, पूरा प्रॉपर निकल चुका है। अभी मैं इसकी थोड़ी सेटिंग कर देता हूँ, जहाँ जहाँ थोड़ी बहुत कमियाँ हैं वो पूरी कर देता हूँ इसकी। और रेसा निकालने के बाद आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि इसमें आपने पेंट मारा है, क्योंकि ये नॉर्मल रेसा होता है, वो इसमें कोई यही नहीं पहचान सकता कि इसमें पेंट है, पेंट के रेसे बना हुए हैं
या फिर ऑलरेडी पहले ही रेसे इसमें लकड़ी में है, तो फिर रेसा इसी तरह का बन चुका है, तो इसमें हर कोई भी अगर देखेगा तो ये बताएगा ये कि पॉलिश क्यों भी है, लकड़ी के अंदर रेसा है। अब इसके बाद आप फाइनली में अगर लगा सको तो टच बोर्ड भी लगा सकते हो फाइनली में चमक के लिए, अगर नहीं लगाना चाहते हो वैसे छोड़ना चाहते हो तो वैसे भी छोड़ सकते हो, ख़राब नहीं होगा ये। और अभी एक बार पूरा दिखा देते हैं इसको, एक बार दिखा दो पूरा। तो गाइस आपने जैसे देखा मैंने रेसे आपको अच्छी तरह से निकालने बता दिए, अगली बार मैं और भी दूसरे डिजाइन के लेके आऊँगा, पर वैसे ही बताऊँगा जैसे कि मैंने शुरू से आपको पल्ला किया है, पल्ले पे डिजाइन डाला है, पल्ले पे पैंट किया है, पल्ले पे जाली जाली वाला पैंट किया है, मतलब टोटल प्रोसेस बताऊँगा। उसके भी 4 से 5 पार्ट बनेंगे मेरे, क्योंकि अगर एक पार्ट अगर इतना लंबा रखता हूँ तो उसमें क्या होता है, नहीं आपको समझ में आएगा और ना ही मुझे काम करने में आनंद आएगा, क्योंकि जब तक कि आप पूरी तरह से नहीं समझोगे वैसे काम आप कर नहीं सकते। इसीलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप सारा काम बताया इसमें। तो जैसे कि आपने देखा कि पूरा अच्छी तरह से रेसा निकल चुका है, और वही चीज़ कैमरा दिखाता है जो चीज़ यहाँ पे बनती है, कोई इसमें फेक नहीं होता, कुछ नहीं होता, और मैं रियल चीज़ दिखाता हूँ। तो ये कोई भी अगर आपका कोई घर पर कोई गेस्ट वगैरह या यार दोस्त भी आता है तो यही बताएगा कि दरवाजे पर आपने पॉलिश कर रखी है और पॉलिश अच्छी हो रखी है, क्योंकि ये जो चीज़ जो है ये वाली ये चीज़ जो है हर एक बंदा और हर एक कारीगर नहीं जानता। सब कारीगर बोलते हैं हमें रेसे बनाने सिखाओ, रेसे कैसे बनते हैं, तो इसमें काफ़ी सारे डिजाइन के रेसे बनते हैं। तो आने वाली समय में जो वीडियो मैं डालता रहूँगा वैसे ही रेस तो पार्ट बाई मैं हर एक वीडियो में दिखाता रहूँगा। तो मिलता हूँ फिर से मैं आपको 12वें चैप्टर में, तब तक के लिए बस यही था, यहीं तक था।